उत्तर प्रदेश में संगठन के लिहाज से बीजेपी की तरफ से एक अहम खबर है। सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश में संगठन के चाणक्य माने जाते हैं, अब वो बंगाल चुनाव में भी जिम्मा संभालेंगे। सुनील बंसल बंगाल चुनाव में, उनके पास कोलकाता का जिम्मा होगा, यानी कि कोलकाता क्षेत्र के जो चुनाव होंगे उसे सुनील बंसल देखेंगे। सुनील बंसल के बारे में आप जान लीजिए, चाहे 2017 का चुनाव हो या 2019, कहा यह जाता है कि इन चुनावों की रणनीति बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो पर्दे के पीछे वो थे सुनील बंसल। कभी वो अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी थे, लेकिन अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं। सुनील बंसल के मुताबिक बंगाल चुनाव में वो बतौर संगठन मंत्री वहां जा रहे हैं। बीजेपी के भीतर ये प्रथा कोई नई नहीं है, अलग अलग चुनावों में, राज्यों के चुनाव में संगठन महामंत्रियों को लगाया जाता है, लेकिन सुनील बंसल की बात थोड़ी अलग है। जिस तरीके से त्रिपुरा में सुनील देवधर ने अकेले अपने दम पर कमाल किया था, कुछ वैसी ही छवि उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल की मानी जाती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल चुनाव में झोंकने की तैयारी कर रखी है, और जिस तरीके से सुनील बंसल को भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का बंगाल फतेह का एक बड़ा प्लान दिखाई देता है। शुरू में एक हफ्ते हर महीने बंगाल में गुजारेंगे और चुनाव के आखिरी महीने में पूरे एक महीने सुनील बंसल कैंप करेंगे। हालांकि उनके साथ साथ हिमाचल के प्रभारी, मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री, ऐसे कई लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन सुनील बंसल के लिए ये खास मौका है। कहा यह जाता है कि जिस तरीके से ग्रास रूट पर संगठन तैयार किया है सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश में, अब उनके इस अनुभव का फायदा बीजेपी बंगाल में भी उठाने जा रही है। हालांकि किसी बड़े दायित्व के साथ वो नहीं जा रहे, जिस तरीके से दूसरे नेताओं और मंत्रियों को लगाया जाता है, कुछ उसी तरीके से सुनील बंसल को बंगाल के चुनाव में लगाया जा रहा है, लेकिन उनका जाना खास है क्योंकि उनके संगठन के महारथी होने की क्षमता से सभी वाकिफ हैं। देखना यह है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की ये ताकत, बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी ताकत झोंकी है, वो कितना फायदा पहुंचाती है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।